हेलो स्टूडेंट्स, आई शिपाली शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एट मॉडर्न ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, गोइंग टू टीच यू अबाउट जेनेटिक्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स. पहले पता होना चाहिए जेनेटिक्स है क्या. दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस होल सेशन. फर्स्ट, जेनेटिक्स क्या है, वॉट इज जेनेटिक्स, क्यों हम स्टडी कर रहे हैं जेनेटिक्स की, पहले ये पता होना चाहिए. डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टर्स. द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, स्टडी ऑफ हेरिडिटी. अब हेरिडिटी क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग टू रिजेंबल देयर पेरेंट्स. हेरिडिटी में क्या होता है कि जो करैक्टर हमारे पेरेंट्स से हमारे बीच में आ रहे हैं वो होती है हेरिडिटी. द ट्रांसफर ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी. और वेरिएशंस क्या है कि जो टेंडेंसी है ऑफस्प्रिंग की टू वेरी फ्रॉम देयर पेरेंट्स. अब जो चेंजेस आ रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब जो पेरेंट्स में है करैक्टर्स वो कुछ हद तक नहीं होंगे किसमें, ऑफस्प्रिंग्स में, तो वो क्या होती है, वेरिएशन. अब ज़रूरी नहीं होता कि सारे के सारे करैक्टर्स ही हैं जो बच्चों में पाए जाएँ, कुछ हद तक उनमें क्या होती हैं, वेरिएशंस भी. तो जेनेटिक्स फर्स्टली क्या है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. हेरिडिटी क्या होती है, जो करैक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. अब वेरिएशन क्या है कि चेंजेस क्या क्या आ रही हैं पेरेंट्स से बच्चों में. जेनेटिक्स इंट्रोडक्शन, अ रिलेटिवली यंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस. ये एक बहुत यंग ब्रांच है बायोलॉजिकल साइंस की. स्टडी ऑफ जेनेटिक्स स्टार्टेड विद वर्क ऑफ ग्रिगोर जोहान मेंडल. रिमेंबर दैट द फादर ऑफ जेनेटिक इज ग्रिगोर जोहान मेंडल. मॉडर्न ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स, अब मॉडर्न ब्रांचेज कौन कौन सी है जेनेटिक्स की, साइटोजेनेटिक्स, मोलिकुलर जेनेटिक्स, फाइलोजेनेटिक्स, डेवलपमेंटल जेनेटिक्स, बिहेवियरल जेनेटिक्स. ग्रिगोर जोहान मेंडल ने वर्क कब कब किया था, उसने वर्क किया था 1822 से लेके 1884 तक. नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ग्रिगोर जोहान मेंडल नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. मॉडर्न जेनेटिक्स पे उसने काम किया था. अब ही वर्क्स वर ऑन पाइजम सैटिवम, गार्डन जो पी होता है, उसने अपने जो सारे एक्सपेरिमेंट थे सबसे पहले स्टार्ट किया था किस पे, जो गार्डन पी होता है, मटर का दाना होता है, उससे उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स जो है वो स्टार्ट किए. द पीरियड ऑफ स्टडी फ्रॉम 1856 टू 1864. द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशंस, अब उसने जो पब्लिकेशंस की थी उसका टाइटल क्या था, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन. रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स ओरिजिनल वर्क, जब रीडिस्कवरी हुई मेंडल के ओरिजिनल वर्क की, कब हुई, इन 1993 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड द मेंडल्स वर्क, दैट इज कार्ल कॉरन्स, हुगो डी व्रीज, इरिक वॉन ट्रस्मार्क. मेंडल फाइंडिंग्स वर नोन एज मेंडलिज्म और मेंडलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. मेंडल के जो वर्क थे वो किस नाम से जाने जाते थे, मेंडल्स के जो तीन लॉ थे उन नामों से जाने जाते थे इनहेरिटेंस के. टर्मिनोलॉजीज इन जेनेटिक्स, द टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइंड बाय विलियम वेटसन इन 1905. अब जेनेटिक्स का जो वर्ड है वो कहाँ से आया, जीन से. जीन क्या होता है, द टर्म जीन वाज कॉइंड बाय जोहानसन इन 1909. जीन का जो वर्ड था वो डिस्कवर किसने किया था, जोहानसन ने इन 1909 में. डेफिनेशन क्या है, जीन इज द हेरिडिटी डिटर्मिंग फैक्टर. अब जो हेरिडिटी हो रही है, ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स हो रहे हैं, वो किस वजह से हो रहे हैं, जो पेरेंट्स में मौजूद है जीन जो बच्चों में जा रहे हैं उससे हमें पता चल रहा है कि मतलब जो बच्चा है वो किसको रिजेंबल करता है, पेरेंट्स को. किस वजह से, क्योंकि उसमें वही जीन्स हैं जो पेरेंट्स में जीन पाए जाते हैं. जीन क्या है, जीन में क्या होता है, जीन में क्या होता है, एक कॉन्टीन्यूस सेगमेंट ऑफ डीएनए. डीएनए है क्या, अब जेनेटिक मटीरियल. इन यूकैरियोट्स द जीन ऑक्यूपाई एन स्पेसिफिक पोजिशन ऑफ ए क्रोमोसोम कॉल्ड लोकस. अब जब यूकैरियोट्स कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जीन ऑक्यूपाइज एन स्पेसिफिक पोजिशन. जीन क्या होता है, एक स्पेसिफिक पोजिशन को ऑक्यूपाई करता है किसमें, क्रोमोसोम में. और जो वो स्पेसिफिक पोजिशन होती है उसको क्या बोलते हैं, लोकाय. नेक्स्ट है एलील. अब एलील क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड एलीलोमॉर्फ्स. एलील्स आर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन विच ऑक्यूपाई आइडेंटिकल लोकाय ऑन ए होमोलोगस क्रोमोसोम. एलील भी जीन्स की तरह होते हैं जो अल्टरनेट फॉर्म में पाए जाते हैं और आइडेंटिकल लोकाय में पाए जाते हैं, किस पे, होमोलोगस क्रोमोसोम पे.
एलील कंट्रोल द कंट्रास्टिंग करेक्टर ऑफ सेम ट्रेड. एलील क्या करता है, जो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं ट्रेड्स के, ट्रेड क्या होता है करेक्टर होता है, उनको कंट्रोल करता है. यूजुअली एलील एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म, दैट इज डोमिनेंट एलील एंड द रिसेसिव एलील. सो डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स क्या होते हैं, डोमिनेंट एलील विल ऑलवेज एक्सप्रेस इट सेल्फ. डोमिनेंट एलील क्या करता है, अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करता है. ऑन द अदर हैंड जो रिसेसिव एलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता. क्यों, क्योंकि जो डोमिनेंट होता है वो दूसरे के करेक्टर को सुप्रेस कर देता है. ऑलवेज एक्सप्रेसिंग इट सेल्फ कौन है, वो डोमिनेंट एलील. रिसेसिव एलील विल एक्सप्रेस ओनली इन द एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एलील. रिसेसिव तभी एक्सप्रेस होगा जब उसके साथ डोमिनेंट एलील नहीं होगा, मतलब एब्सेंस होनी चाहिए डोमिनेंट एलील की. डोमिनेंट एलील मास्क और सुप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव एलील. डोमिनेंट एलील आर क्लासिकली सिंबलाइज्ड विद कैपिटल लेटर. ऑलवेज रिमेंबर दैट जब आप डोमिनेंट एलील लिखो तो वो हमेशा ही कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए. जैसे कैपिटल टी एंड कैपिटल टी रिजेंबल डोमिनेंट, करेक्टराइज एज डोमिनेंट एलील. रिसेसिव एलील आर सिंबलाइज्ड विद स्मॉल लेटर. रिसेसिव हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, जैसे स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. हियर आर सम एग्जांपल्स. अब ये क्या दिया हुआ, लिखते कैसे हम, ट्रेट क्या है हाइट, ट्रेट मतलब उसका करेक्टर क्या है हाइट, करेक्टर टॉल और ड्वाफ. डोमिनेंट टॉल, रिसेसिव ड्वाफ. ट्रेट उसका हो गया हाइट, करेक्टर क्या हो गए टॉल है या ड्वाफ है. जेनेटिक्स इंट्रोडक्शन, जीनोटाइप और फीनोटाइप. अब जीनोटाइप और फीनोटाइप क्या होता है, द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जेनेटिक मतलब किस टाइप के जीन्स पाए जा रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म में, उसको बोलते हैं जीनोटाइप. फिनोटाइप क्या है, द फिजिकली फीचर अपियरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. देखने में एक इंसान कैसा है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसको बोलते हैं फिनोटाइप. फिनोटाइप इज द एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप. जीन्स के, जीन्स जो होते हैं ना उसमें, उस वजह से ही उसकी बाहरी जो है ना वो पता चलती है, उसका मेकअप, बाहर का जो मेकअप है ना, फिजिकल फीचर्स है वो पता चलते हैं. तो फिनोटाइप क्या है, एक एक्सप्रेशन है किसका, जीनोटाइप का. फिनोटाइप इज प्रोड्यूस नॉट ओनली बाय द जीनोटाइप बट ऑल्सो बाय द इंटरेक्शन बिटवीन जीनोटाइप्स एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर. फिनोटाइप हमें पता कैसे चलेगी, ड्यू टू बट नॉट ओनली जीनोटाइप, जीनोटाइप की वजह से नहीं बट ऑल्सो द इंट्रैक्शन बिटवीन जीनोटाइप्स एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर. अब किसी भी करेक्टर्स को अडाप्ट करने के लिए किसका होना जरूरी है, एनवायरमेंटल फैक्टर का और साथ में जीनोटाइप का. ट्रेट हाइट, फिनोटाइप टॉल एंड ड्वार्फ. फिनोटाइप मतलब करेक्टर्स, बाहरी अपीयरेंस कैसी है टॉल और ड्वार्फ. जीनोटाइप क्या है, जीन्स कौन कौन से हैं, कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी. होमोजाइगस, होमोजाइगस क्या होता है, हम लोगों ने पहले पढ़ा होमोजाइगस क्रोमोसोम. ए कंडीशन इन विच बोथ द मेंबर ऑफ एन एलीलिक पेयर इन द होमोलोगस क्रोमोसोम आर आइडेंटिकल आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव एलील. चाहे दो कैपिटल टी ले लो चाहे दो स्मॉल टी ले लो, उनको दोनों क्या होने चाहिए, वो होमोजाइगस. तो वो एक करेक्टर शो करेंगे टॉल, अगर स्मॉल टी है तो ड्वार्फ, अगर कैपिटल टी मतलब टॉल, और ये है कौन से डोमिनेंट और रिसेसिव. हेटरोजाइगस ऑन द अदर हैंड क्या है, जिसमें दोनों जो जीन्स हैं जो एलील्स हैं वो सेम नहीं होंगे. कंडीशन इन विच द मेंबर ऑफ एन एलीलिक पेयर इन द होमोलोगस क्रोमोसोम आर नॉट आइडेंटिकल. एलीलिक पेयर में जो दोनों ही वो है मेंबर है वो क्या है, आइडेंटिकल नहीं है, वन डोमिनेंट और एक रिसेसिव, तो दैट मीन्स दे आर हेटरोजाइगस. दीज आर सम स्मॉल टर्म्स विच यू हैव टू नो अबाउट ऑल दी जेनेटिक्स. हेमीजाइगस, ए कंडीशन व्हेन जीन आर प्रेजेंट ओनली इन वन कॉपी. हेमीजाइगस क्या है, इन विच जीन्स आर प्रेजेंट ओनली इन वन कॉपी. जीन्स ऑन एक्स क्रोमोजोम इन मेल हैव वन एक्स एंड हैव वन वाई क्रोमोजोम. सिर्फ एक जीन की कॉपी, जीन ऑन वाई क्रोमोजोम ओनली वन वाई क्रोमोजोम इन मेल, ये होती है हेमीजाइगस कंडीशन. डोमिनेंस क्या है, द एबिलिटी ऑफ एन एलील टू एक्सप्रेस इटसेल्फ फिनोटाइपिकली बोथ इन होमोजाइगस एंड इन हेटरोजाइगस कंडीशन. अब ये डोमिनेंसी क्या है, जब एक एलील का पेयर है जो दोनों जो करेक्टर हैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो डोमिनेंट है कैपिटल टी क्या है ड्वार्फ. इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर एक कंडीशन ऐसी आ जाए कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो उन दोनों में से भी डोमिनेंट जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और दूसरे के करेक्टर को सुप्रेस कर देगा. तो ये भी कंडीशन क्या आती है,
डोमिनेंसी। रिसेसिवनेस क्या होता है, इनएबिलिटी ऑफ एन एलील मैनिफेस्ट फिनोटाइप इन हेटरोजाइगस कंडीशन। अब रिसेसिवनेस किसकी आ गई, स्मॉल टी की, क्यों अपने आप को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंस है कौन, डोमिनेंट एलील। हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिड, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग टू जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल, जेनेटिकली टू डिफरेंट इंडिविजुअल को क्रॉस कराना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस डॉफ, दोनों क्या है, होमोजाइगस है बट डोमिनेंट है, और एक क्या है, रिसेसिव है। तो दे जब इनकी दोनों की क्रॉसिंग करवाएंगे हम कैपिटल टी विद स्मॉल टी, तो क्या बनेगा, हेटरोजाइगस टॉल। हाइब्रिड क्या है, द प्रोजेनी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड हाइब्रिड। जो क्रॉसिंग करने के बाद हमारा हाइब्रिड आता है, या कोई भी F1 जनरेशन आती है, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड, अब क्रॉस करवाएंगे हम मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैसे होगा, एन ऑर्गेनिज्म विच इज हेटरोजाइगस विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन पेयर ऑफ एलील एट A1 लोकस अंडर स्टडी। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक ही, जब क्रॉस करवाएंगे एक ही एलील होगा पेयर का, टॉल और ड्वार्फ। और डायहाइब्रिड में क्या होता है, दो एलीलिक पेयर होंगे। एन ऑर्गेनिज्म विच इज हेटरोजाइगस विद रिस्पेक्ट इन टू पेयर ऑफ एलील्स एट टू लोकाई, मतलब यहाँ पर येल्लो राउंड सीड और ग्रीन रिंकल सीड्स। मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैसे होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल विच डिफर फ्रॉम ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू वन पेयर ऑफ एलील अंडर स्टडी। डाई हाइब्रिड में कैसे होगा, है ये डेफिनेशन सेम है बट यहाँ क्या, येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड, यहाँ दो पेयर हैं, यहाँ भी दो पेयर, यहाँ पे एक सिंगल पेयर है एलील का। F1, अब F2 जनरेशन क्या होता है, F1 फिलियल मीनिंग सन। F1 जनरेशन कौन सी होगी, जो हम पहले क्रॉस करवाएंगे दोनों डोमिनेंट और रिसेसिव एलील को, जो हमारे पास हाइब्रिड आएगा वो क्या होगी, F1 जनरेशन। F2 जनरेशन क्या होगी, जो हमारे पास हाइब्रिड बनेगा उसको हम क्रॉस करवाएंगे पेरेंट्स के साथ। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, टू रिवर्स क्रॉस इन विच द सेक्सेस ऑफ द पेरेंट्स आर इंटरचेंज, जब दोनों पेरेंट्स के सेक्सेस जो हैं वो इंटरचेंज होता है, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। इफ़ द ट्रेट आर ऑटोसोमल द रेसिप्रोकल विल ऑलवेज यील्ड द सेम रिजल्ट्स, इफ ट्रेट्स आर ऑन सेक्स क्रोमोसोम द रेसिप्रोकल क्रॉस गिव्स डिफरेंट रिजल्ट। बैक क्रॉस क्या होता है, जब हम F1 ऑफस्प्रिंग को किसी एक पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवाते हैं, F1 पेरेंट मतलब हाइब्रिड को किसी एक पेरेंट के साथ क्रॉस करवाना, वो होता है बैक क्रॉस। इफ F1 इज क्रॉस्ड विद डोमिनेंट पेरेंट, डोमिनेंट मतलब कैपिटल टी, ऑल प्रोजेनीज विल बी डोमिनेंट, तो जो प्रोजेनीज बनेंगी वो कौन सी होंगी, डोमिनेंट। अगर रिसेसिव के साथ करवाएंगे तो वो क्या होगी, अपियर इन इक्वल प्रोपोर्शन, तो वो इक्वल प्रोपोर्शन में आएगी। द रेशियो ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस ड्यूरिंग बैक क्रॉस इज कॉल्ड बैक क्रॉस रेशियो, जो इनकी रेशियो बनती है वो क्या होती है, बैक क्रॉस रेशियो। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस इन विच F1 प्रोजेनी इज क्रॉस्ड विद इट्स डबल रिसेसिव पेरेंट्स। इसमें अब एक्सेप्शन आ गई कि जो F1 हाइब्रिड आएगा उसको सिर्फ एक रिसेसिव पेरेंट्स के साथ ही करवाना था, बैक को किसी भी एक पेरेंट के साथ करवाना, बट टेस्ट क्रॉस में एक्सेप्शन है कि सिर्फ एक रिसेसिव पेरेंट के साथ ही करवाना है। तो टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द इंडिविजुअल एग्जिबिटिंग डोमिनेंट करेक्टर आर होमोजाइगस और हेटरोजाइगस, मतलब जो डिटरमाइन करवाता है कि इंडिविजुअल जो है उसमें क्या है, डोमिनेंट करेक्टर है, इन जो वो होमोजाइगस स्टेट में है या हेटरोजाइगस कंडीशन में है। ये क्रॉस देख सकते हो आप, कैपिटल टी विद स्मॉल टी, F1 जनरेशन आई, हाइब्रिड बना, तो उसको क्रॉस करवाया लास्ट में रिसेसिव पेरेंट्स के साथ। रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराने के बाद हमारे पास क्या बना, एक हाइब्रिड और एक क्या बना, रिसेसिव पेरेंट, मतलब ये क्या है, हेटरोजाइगस है। तो ये थी इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स, अब इसी के रिलेटेड आप सारा का सारा सिलेबस पढ़ोगे। थैंक यू।